गुड मॉर्निंग क्लास 5। टुडे विल स्टार्ट और नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 7। चैप्टर नेम है डेसिमल्स। तो आपके डेसिमल्स क्या होते हैं, देखिए डेसिमल्स की फ्रैक्शन देखिए मैंने बोर्ड पे लिखी है डेफिनेशन। डेसिमल नंबर इज अनदर वे टू रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस। डेसिमल क्या होते हैं, एक एक व्यू होता है फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने का। देखिए कैसे, अब मैंने यहां लिखा 2/10, ठीक है, ये आपकी फ्रैक्शन है। ओके, इसको आप अनदर वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेफिनेशन आपकी क्या है, डेसिमल नंबर क्या है, अनदर वे है फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो यहां मैंने अभी 2/10 लिखा, अब मुझे इसको अनदर है तो ये फ्रैक्शन, मुझे इसको दूसरे वे में रिप्रेजेंट करना, मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ 2 लिखा, ये मेरा 1 पॉइंट है तो यहाँ 0 पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है, 1 0 है तो 2 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल्स होते हैं। एक डेसिमल देखिए, सेकंड डेफिनेशन हमारी क्या, फ्रैक्शंस विद डेसिमल डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 आर डेसिमल फ्रैक्शन। आपकी डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है जिनमें डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है। फ्रैक्शन आपकी डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 आर डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, डेसिमल नंबर की क्या है, एक कंप्लीट पार्ट होता है, ठीक है। अब उसको सेपरेट कैसे करते हैं, डेसिमल एक पूरा पार्ट होता है, मैंने यहाँ लिखा 252, ठीक है, ये पूरा नंबर है, होल पार्ट हो गया ये 252 252। अब इसको सेपरेट किया है मैंने, तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट आपका क्या है, डेसिमल पॉइंट आपका क्या है, डेसिमल। डेट मीन्स हमने क्या किया, एक होल पार्ट था पूरा नंबर का, हमने क्या किया पॉइंट, डेट मीन्स उसको सेपरेट कर दिया डेसिमल लगा के। ओके, तो ये हमारा है डेसिमल। नेक्स्ट देखिए, आपके बुक में देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, होल नंबर के पार्ट को देखो हम ये बोलते हैं, मैंने यहाँ लिखा 1, फिर 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, इसके रिवर्स इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट जहां लग जाएगा, बीच में मान लो डेसिमल पॉइंट लग गया, ठीक है, तो यहाँ वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, 1/10, 100, ये आपका हो जाएगा टेंथ पार्ट हो जाएगा डेसिमल। यहाँ इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, 10, 1, 10, 100, 1000, 10,000, और जहां डेसिमल आपका लग जाएगा, डेट मीन डेसिमल वाला, देखिए ये पार्ट आपका डेसिमल पार्ट है, बिकॉज देखिए 10 आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 ये आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टेंथ, किसी भी चीज का 1 का ही 10 पार्ट है, टेंथ हो गया, ये 1 का क्या है, 100 पार्ट है, 100, 1000s, ठीक है। तो डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के लिए हमने यहां क्या किया, अब आपको यहां ये डेसिमल मैंने कहा कि ये आपका डेसिमल के द्वारा, अब जो 1000 है डिनोमिनेटर में, डेफिनेशन आपकी क्या आई थी कि फ्रैक्शंस हैविंग 10, 100, 1000 डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है,
एक डेसिमल एक फ्रैक्शन के क्या है आपके, एक नंबर के, एक डेसिमल जो नंबर होता है उसके क्या है, टू पार्ट्स होते हैं। एक डेसिमल नंबर हैज टू पार्ट्स, वन पार्ट इज होल नंबर एंड सेकंड पार्ट इज डेसिमल पार्ट, है ना। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया डेसिमल होल पार्ट हो गया, दूसरा आपका सेकंड पार्ट हो गया डेसिमल पार्ट हो गया। देखिए कैसे, ये आपका जो पार्ट है देखिए 275, 275, ये आपका हो गया होल पार्ट हो गया। ये यहाँ क्या आपका डेसिमल पॉइंट, और ये क्या है डेसिमल पार्ट है, जो पॉइंट के बाद आपका पार्ट आया है वो आपका क्या है डेसिमल पार्ट। समझ में आया सभी को। फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट मैंने क्या बोला कि नंबर हैज, डेसिमल नंबर हैज टू पार्ट्स, वन पार्ट इज होल पार्ट एंड अदर पार्ट इज डेसिमल पार्ट, और दोनों पार्ट क्या है, बोथ द पार्ट आर सेपरेटेड बाई पॉइंट या डेसिमल पॉइंट जो बोल सकते हो उसको, उसके डेसिमल पॉइंट्स के थ्रू वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ना होल पार्ट हो गया, ये डेसिमल पॉइंट, ये पूरा पार्ट होता है उसमें, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट्स के थ्रू इसको हम सेपरेट करते हैं। ओके, ये आपके डेसिमल्स। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, अब देखिए आपको ये पता चलिए डेसिमल क्या होता है, एक उस पे बेस एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट थ्रू 235.456 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हम जब भी डेसिमल के बाद वाला पार्ट बोलेंगे ना उसको एक साथ नहीं बोलेंगे, जैसे हम इसको तो बोल रहे हैं 235, ठीक है, इसको हम 235 बोल रहे हैं, लेकिन हम इसको कभी भी 456 नहीं बोलेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला जो आता है ना पार्ट, ये जो पार्ट है डेसिमल पार्ट है इसको हम सेपरेट ही बोलते हैं 456, इसको बोलेंगे 235.456, हमेशा ऐसे बोलेंगे, कोई भी नंबर आ जाए इसको आप सेपरेट बोलोगे, डेसिमल जो पार्ट होता है पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम सेपरेट बोलेंगे हमेशा। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, राइट 235.456 इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमारा। ये आपका चैप्टर आपने लास्ट क्लासेस में भी सीखा होगा, इसमें भी मैंने इस क्लास में स्टार्टिंग में आपको एक बताया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं। देखिए ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म आपने सीखी होगी ना। अब देखिए इसके एक्सपेंडेड फॉर्म बताइए, ये आपका आपको पता है वंस प्लेस होता है, ठीक है, ये आपको पता है टेंस प्लेस होता है, थ्री थ्री टेंस प्लेस है ना आपका, थ्री, ये आपका हंड्रेड प्लेस, ठीक है, ये आप सभी ने अगर लास्ट क्लासेस में किया और इस क्लास में भी स्टार्टिंग में किया तो आप देखिए आपको पता होगा कि ये आपका है वंस प्लेस होता है फाइव, है ना, ये आपका टेंथ प्लेस होता है, तो आपने लिखा थ्री इंटू टेन, ये हंड्रेड आपने बोलता है ना, फाइव वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है, तो आपका क्या है 200 है, फाइव 30, 200, ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को। ये देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये वाला यहाँ लिख दिया हमने, अब डेसिमल के जो डेसिमल पार्ट है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये जो होगा फर्स्ट होगा ये 1/10, है ना, तो 4/10, 1/10 डेट मीन्स ये आपका क्या है 100, तो 5/100, ये क्या है 1000 प्लेस आपका, तो 6/1000 हमारे पास, हमने अब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में तो लिख लिया है, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट में मैंने लिखा फाइव, फर्स्ट देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट में लिखा है मैंने फाइव लिख दिया पहले, पहले यहाँ पे फाइव, ठीक है, फिर आपका मैं क्या आया 30 आ गया,
सेकंड, फिर थर्ड क्या है आपका 200, ठीक है। अब मैंने फोर को कैसे लिखा है, फोर है बादल, उसको मैंने लिखा है फोर अपॉन टेन लिखा है, टेंथ प्लेस है। फिर मैंने फाइव को लिखा है हंड्रेड प्लेस, फाइव अपॉन हंड्रेड, और लास्ट में लिखा है सिक्स अपॉन थाउजेंड, ठीक है। अब इनको लिखना आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब वो देखिए कैसे लिखना है आपको, यहां तक आपने सॉर्ट आउट कर लिया कि ये कैसे बनेगी इनकी फ्रैक्शन, हमने जो डेसिमल पार्ट की फ्रैक्शन हमने बना ली, अब इनको लिखना कैसे, क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए ये आपको समझ आना चाहिए। फिर क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए इजी हो जाएगा, 200 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 100 प्लस 6 अपॉन 1000, ठीक है। अब इनको लिखेंगे कैसे, देखिए 200 आपको पता ये क्या है, 200 प्लस 30 आपके क्या है 3 tens, 3 tens है ना, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3 tens हो गया, ठीक है। वंस प्लेस पे कितना है 5 5 वंस, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 4 tens, 5 hundreds और 6 thousands, ठीक है। देखिए हमने एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा इसको, हमने पहले लिखा 200, 3 के प्लेस पे क्या है, जहां 3 लिखा है 3 क्या है टेंस है ना, टेंस के प्लेस पे है, तो 3 tens, 5 ones, नेक्स्ट हम आगे डेसिमल पार्ट में 4 tens, ठीक है, 500 और 6 thousands, ठीक है। तो हम किसी भी क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये इस तरह से सॉल्व करना होगा क्वेश्चन, ओके। कल हम इसे भी बेस और क्वेश्चन करेंगे, अभी तो हमने वन एग्जांपल देखा है, इसी के बेस पे और करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे।